इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जी नमस्कार, हमारे साथ यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी प्यारी सी, उनसे हम पूछेंगे कि आप यहाँ क्या करने आई हो। जी क्या नाम है? वैष्णवी दास। वैष्णवी दास जी, आप यहाँ पे क्या करने आई हो? सत्संग सुनने। सत्संग सुनने? आप इतनी सी छोटी हो, इसी उम्र में पढ़ने लिखने के दिन है आपके? ऐसा कुछ नहीं भगत जी, भक्ति का कोई उम्र नहीं होती। अच्छा अच्छा जी, आपको किसने बताया? गुरु जी ने। अच्छा, क्या बताते हैं आपके गुरु जी? गुरु जी बताते हैं सत मार्ग का फिर चलो। अच्छा, सतमार्ग क्या है आपको पता है? सतमार्ग क्या होता है? सतमार्ग पे कैसे चलना चाहिए? हमें सतमार्ग पे अच्छी भक्ति से चलना चाहिए जी। और अच्छे कर्म से जी। अगर आप खुद ही देख सकते हैं, ज्यादातर कोई कोई रहते हैं, जब अपन नाम दीक्षा नहीं लेते हैं तो आप खुद ही देखते हैं कोई कोई डांस करते हैं, तो उनसे शोभाएं बढ़ती है क्या? आप ही बता जी। नहीं बढ़ते हैं, आपके अच्छे विचार हैं। तो आप किन किन चीजों से नफरत करती हैं? हम सभी चीजों से नफरत करते, मतलब कि जो भी मेकअप वगैरह, नाचना, ये सब हमें कुछ पसंद ही नहीं। अच्छा, गुरु क्यों, जी, क्यों पसंद नहीं है? गुरु जी ने मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि इनको लगाए से अपना होता ही क्या है, आप बताइए। सही बात है, जो ईश्वर ने बनाए हैं जैसे हैं। अगर ईश्वर ने जैसा बनाया वैसे ही अच्छे हैं ना, क्यों अपना कर्म बिगाड़ो? अच्छा, तो सब जितने भी जो दुनिया भर का आटंबर करते हैं सब अपने कर्म खराब कर रहे हैं। यस जी जी, आप मानव समाज को और भक्त समाज को छोटे बच्चों से और जो भी बुजुर्ग हैं, माताएं बहनों से क्या कहना चाहोगी? हम कहना चाहेंगे आप सत्य मार्ग पे चलिए। सत्य मार्ग एक ऐसी चीज है जो भले ही अपन हो जाए पर कोई भी कष्ट नहीं आता। आप बताइए, अगर अपन मेकअप शेकअप करते हैं, शादी में जाते हैं, तो अपन को कोई देखता है, वायरल हो जाती वीडियो ज्यादातर, और फिर अपनी मतलब कि अपना ही नुकसान होता है। तो इस संबंध में, जैसे कि जन्मदिन होते हैं, जन्मदिन वगैरह होते हैं, जश्न वगैरह मनाए जाते हैं, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? हम ये सब नहीं मनाते। अच्छा, क्यों नहीं मनाते हो? अच्छा लगता है, सारे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भगत जी, आप ही बताइए, जो केक रहता है उसमें अपन एकदम कुछ नहीं खाते हैं, ना अंडे वगैरह, पर केक में अंडा मिलाया जाता है। अच्छा, सभी आपको पता है क्या? केक में अंडा मिला के उसको ऐसे चॉकलेट से ढक दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। और उससे आप जानते ही हैं, और अंडे खाने से अपने वेल हड्डियों में भी थोड़ा सा कम हो जाता है, नुकसान सा भी हो जाता है। क्या नाम है आप? वैष्णवी पाल। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुलशन। हमारे पास जहां पे मौजूद हैं संतोष जी हैं हमारे पास, और जी हैं जी, क्या नाम है आपका? ब्रज मोहन दास जी। यहां पे सत्संग हुआ है आज, सत्संग किन के द्वारा हुआ है? आज यहां पे सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हुआ है। अच्छा, सत्संग करने का क्या उद्देश्य है? ये सभी समाज सुधारक, जो नशा मुक्त भारत बनाना और हम दहेज मुक्त बनाना, और भी कई ऐसी कुरीतियाँ जो चल रही हैं अपने मानव समाज में, उनको दूर करने के लिए। जी, सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं छुड़वाते हैं, जी इस संबंध में क्या कहना चाहोगे भक्त समाज? जी, गलत धारणा है, गलत सोच है, जो समझते हैं कि देवी देवता छुड़वाते हैं, छुड़वाते नहीं है, उनका सही तरीका बताते हैं, भक्ति विधि बताते हैं, उनके सही मंत्र दिए जाते हैं उनके द्वारा, जो मानव कल्याण भव से पार होने के लिए सदगुरुदेव हमारे लिए मंत्र देते हैं। तो आप कब से जुड़े हुए संत रामपाल? हमको सर हो गए 2014 में, लगभग 10-12 साल हो गए। इससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले यही भक्ति साधना करते थे, जो हमारे पितर आ गए करते आए परिवार के, माता पूजना, देवी देवता पूजना, भूत पूजना, और तीर्थ यात्राओं पे जाना। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे? हमें प्रेरणा साहब टीवी के द्वारा मिली। टीवी पे हम सत्संग वो देखते थे, सीरियल वगैरह, एक दिन इनका सत्संग आ रहा था। कौन से चैनल पे आता था ये? साधना चैनल पे आता था, 7:30 से 8:30 बजे तक। तब हमने इनको थोड़ा देखा, फिर दूसरे दिन कुछ और देखा, तो उनसे हमसे प्रमाण सहित जो इनने वेद खोलकर, ग्रंथ खोलकर जो दिखाए, तो उनसे हमको ज्ञान हो गया। थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो पहले से था ही, लेकिन और पुख्ता हो गया, तो हमने वो साधना छोड़ दी और ये साधना पकड़ ली।
जी हमारे पास दूसरे मौजूद हैं जी, क्या नाम है? संतोष दास जी। जी सत्संग में क्या व्यवस्थाएं रहती हैं और क्या इसमें सभी भक्तों के लिए चाय राम, बिस्किट राम, बैठने के लिए पंडाल और सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें टेंट लगाया जाता है, इससे धूप और सर्दी गर्मी की सुरक्षा रहती है। जी कहाँ कब कब निर्देश होते हैं सत्संग करने का? क्या हमारे लिए प्रत्येक संडे को ये सत्संग रखा जाता है और सभी भगत भाई एवं कुछ भक्त भाई ऐसे होते हैं जो सरकारी जॉब करते हैं, उनके लिए छुट्टियां पड़ जाती है और प्रत्येक संडे को ये सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है। तो सत्संग में भक्त समाज को क्या दर्शाया जाता है? सत्संग में सभी संगत को, भगत भाइयों को बताया जाता है कि जो हमारी सदग्रंथों में जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि बताई गई है, उससे सभी मानव समाज अपरिचित है। वो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों को खोलकर और उंगली रख रख कर बता रहे हैं कि ये शास्त्रों में जो विधि भक्ति लिखी है, इस भक्ति को करने से ही पूर्ण परमात्मा का लाभ मिलेगा। जी आप क्या देखते हैं, काम क्या करते हैं आप? मैं वेजिटेबल का काम करता हूँ, सब्जी बिकेता हूँ एक सब्जी मंडी शास्त्री पार गुना से, और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करिए जब से भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं। जी धन्यवाद। और हमारे पास मौजूद हैं जो जाकि दूसरे प्रदेश के हैं जी, जहाँ पे हिंग का बिजनेस करते हैं और व्यापार करने के लिए आते हैं, कुछ महीने रुकते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपको कैसे प्रेरणा मिली और आप कब से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्ववीर दास है जी। मैं जिला हाथरस उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं हिंग का बिजनेस व्यापार करता हूँ यहाँ, और हमें पहले इन्हीं भगवानों की भक्ति करते थे, हमने रामलीला भी की, कृष्ण लीला भी की, और भक्ति से वो भाव भी थे, भगवान के प्रति आस्था भी जागी। प्लस उसके बाद में 6 महीने पहले हमारा छोटा भाई गणेश दास, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर के सत्य भक्ति करता था, उसके कारण उन्होंने कई पॉइंट बताए गीता में और हमने देखा, फिर हमने पुस्तकें पढ़ी और हमने श्रीमद् भागवत गीता को मिलान कराया, उससे एक एक चीज रूबरू जब मिलान कराई तो हमारी आत्मा ऐसे कपने लगी और उस ज्ञान को समझने पर ये लग रहा था कि अब जल्द से जल्द जाए बरबाला, नाम उपदेश लें, कोई पता नहीं काल भगवान कब मार दे, कब सत भक्ति से न जुड़ने पाए। तो क्या प्रमाण बताए आपको, आपने क्या सीखा और आपने क्या देखा? उसमें गीता के 14वें अध्याय 34वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन तू तद्दर्शी संत की शरण में जा, कपट भाव छोड़कर दंडवत प्रणाम करने से तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये तद्दर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, क्योंकि वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब सबका, पवित्र बाइबल में सब में सद ग्रंथों में एक एक खोल खोल करके बता रहे हैं कि कबीर देव, कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है, ये त्रिलोकीनाथ है, 3 लोक के भगवान है, इनसे ऊपर इनका पिता है ओम जो काल कहते हैं, छर पुरुष निरंजन है जिसके छर पुरुष कहा गया, इसका बड़ा भाई अक्षर पुरुष है, वो सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है। तो ये सीधे जिस तरह छोटे छोटे भगवान है, उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, उसकी मर्यादा पूर्वक भक्ति करने थे, सत भक्ति करने शांति परम शाश्वत स्थान को चला, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता 18वें अध्याय 62 से लेकर 66वें तक स्पष्ट कहा है कि अर्जुन जिसकी भक्ति मैं करता हूँ उसकी भक्ति तू भी कर, उसकी भक्ति करने से शांति परम शाश्वत स्थान को पहुँच जाएगा, जहाँ तेरा आवण जामण नहीं होगा। तो आप भक्त समाज को क्या कहना चाहेंगे जो भक्त समाज पिछड़ा हुआ है, सत ज्ञान की ओर बढ़ता नहीं जा रहा है और कुरीतियों को कमर से बांध के हुए आगे बढ़ रहा है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? प्रार्थना कर सकता है दास, और उनको यही समझना चाहिए कि हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब में से निचोड़ दे रहा है, वेद शास्त्र गुरु जी कहते झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझत ना है। तो ये बार बार समझाया है और इनसे सबसे मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि सबसे ज्यादा से ज्यादा साधना टीवी पर रात्रि को 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, दोपहर को 2 बजे से श्रद्धा टीवी 3 बजे तक आता है, और नीचे उसकी पट्टी चलती है पीली पट्टी,
उस पर नाम नंबर आते हैं, मोबाइल नंबर, उनसे आप नंबर से कॉन्टेक्ट करके नाम उपदेश ले सकते हैं। उससे पहले सर्वप्रथम में हाथ जोड़ के प्रार्थना, अधिक से अधिक सत्संग सुने प्लस ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा, उससे मिलान करें जब नाम उपदेश लें। तो ज्ञान गंगा पुस्तक कैसे उपलब्ध हो सकेगी लोगों को? उस सत्संग जो चलता है उस पर पीली पट्टी चलती है जी। उस पर नंबर आते हैं, उस नंबर पर आप कॉल करके बोल दोगे, अपना पूरा पता बता दोगे, तो भी आपके पास फ्री बिना निःशुल्क पुस्तक आपके पास प्राप्त हो जाएगी। तो क्या कोई से भी वेबसाइट पे जाके संत रामपाल जी महाराज की बुक हम कैसे मंगाए तो उसको एड्रेस मिल सकता है? जी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज के एप्स होता है, उसमें डाउनलोड भी कर सकते, जो ऑडियो में भी है, वीडियो में भी है, प्लस आप अपना पता लगा कर भेज भी सकते, आ जाएगी जी। धन्यवाद। चलो और दूसरे जो भक्त हैं, समाज हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी कहाँ से आए? हम गुना से आए। क्या नाम है? विजय दास जी। विजय दास जी, यहाँ पे आप परिवार सहित आए थे या अकेले आए? नहीं, परिवार सहित। अच्छा, बच्चों को भी लेके आए? हाँ, बच्चों को भी। आपने क्या सुना? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना जी। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, परमात्मा का सत्संग जी। नमस्कार, चलते हैं दूसरे किसी भक्त समाज की ओर। नमस्कार। नमस्कार, हम आ गए हैं पुस्तक स्टॉल जहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें रखी हुई हैं, और पोस्टर भी हैं, बैनर भी हैं, और जो मंत्र जपने के लिए मालाएं भी रखी हैं, उनकी तस्वीर भी रखी हुई है। हम उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं हमें दिख रही हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत। और हम उनसे पूछते हैं कि ये पुस्तक कैसे लोगों को उपलब्ध हो सकती हैं और इन पुस्तकों में क्या लिखा है। जी क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, ये पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है? पुस्तकों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वेदों के अनुसार लिखा हुआ है, और संत रामपाल महाराज जी ने सत्य के आधार पर सत सत लिखा है। आप क्या जानना चाहते हो इसके विषय? भक्त समाज को पुस्तक के बारे में बताएं। भक्त समाज के लाने इस पुस्तक का सबसे बड़ा लेकर जो पढ़ते हैं उनके लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहीं भी नहीं है जी। आपने इस पुस्तक से क्या सीखा और क्या पढ़ा वो बताएं। हमने इस पुस्तक जीने की राह में एक ऐसा शब्द पढ़ा है कि 77 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि कहाँ से आया। रामपाल महाराज जी बताते हैं कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, और जाने से पहले सोच ले भाई कहाँ करेगा विश्राम मनने की, कर ले यहाँ दो दिन का मेहमान। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं जो आज तक हमने ना सुने ना सुनने में आए। इस पुस्तक के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो नशा पत्ती छुड़ाने में मदद करती है। पुस्तक लोगों को कैसे दे रहे हो आप? ये 20 रुपए में देते हैं। अच्छा, इतनी मोटी पुस्तक? हाँ जी। उसकी लागत कितनी है? लागत तो 100 रुपए के हेर फेर में बन जाती है, मगर इसकी लागत तोली जाए तो 20 रुपए में कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए 20 रुपए में जानने के लिए कोई भी लेके पढ़े इसके लिए जी। हम कैमरामैन से कहेंगे पुस्तकों को दिखाएं, जूम करें, तो इस पुस्तक से भक्त समाज को सही मार्ग मिल सकता है। बिल्कुल सही मार्ग मिलेगा, सुधार होगा और जीने की राय में बहुत कुछ है। इसको लेके पढ़ें और 4 वेद 18 पुराण से ज्ञान गंगा भी निर्वत है, इसके भी 20 रुपया मूल्य है। इसको पढ़ने से भी 4 वेद 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त होता है, और मिलान करने के लिए गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ये भी रामपाल महाराज जी की ओर से 20 रुपए में प्राप्त होती है, जिसमें हिंदी में अनुवाद भी किया गया है, जैसे कि अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 का कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और भगवान कहता है कि मेरे पूजन मुझे प्राप्त होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो हम इसमें ये सीखने को मिल रहा है कि हम किसको प्राप्त होंगे जो 4 पूजा कर रहे हैं। हम एक हैं और पूजा 4 कर रहे हैं। ये ज्ञान गंगा में लिखा भी है, और गीता तेरा ज्ञान अमृत में अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 पे स्पष्ट लिखा हुआ है हिंदी अनुवाद में। धन्यवाद।
तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।